अच्छा नादरीन, आज आपके लिए मैं टिक्का लेके आया हूँ, मलाई टिक्का और सज्जी टिक्का। यानी कि ये सज्जी के हमने पीस करवाए हैं, बिल्कुल वो साबुत स्किन वाले जो पीस है इसके, तो मेरे पास तकरीबन कोई 10 से 12 किलो वेट है, तो इससे जो रेसिपी लगनी है आज आपके साथ शेयर करेंगे। इससे आप कमर्शियल भी बना सकते हैं, बड़ी सस्ती और मियारी और अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट पे ये आपको खाने में टेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और आप शामिल करेंगे इसमें लीमू पानी है, लीमू रस, ये बीज है मैंने निकाल दिए, ये कुटा हुआ जो है जीरा, गरम मसाला कुटा हुआ, खुशक धनिया जी, और ये दरा मिर्च है जी, और ये सुर्ख मिर्च है जी। ये जरा तिखी खाते हैं जितने भी दोस्त हैं जी। और इसमें जो हमने शामिल की है दही की जगह मैंने क्रीम शामिल की है मिल्क पैक की, ये तकरीबन 3 पाव है। और इसके कलर के लिए, खूबसूरती के लिए हमने इसमें 4 कलर जो है ये शामिल करेंगे। और अभी नमक मेरे करीब नहीं है, हस्बे जायका आपने इसमें नमक शामिल कर दो, नमक हो गया, नमक हो गया, हस्बे जायका इसमें आपने नमक शामिल कर दिया, उससे अच्छी तरह आप मिक्स कर। इसमें आप रंग देखे, इसकी खूबसूरती देखे, कलर चेक करें कितना प्यारा कलर है। और जब इसे आपने चेक करना है ना मसाले के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, तो जब आप इसे जुबान के साथ लगाएं ना, मिर्च भी तीखी हो और नमक भी तीखा हो, जितना थोड़ा सा तेज होना चाहिए, और जब ये बारबेक्यू कोयले पे आएगा वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। तो अभी इसे हम छोड़ेंगे 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए, फिर इसे कोयले पे लाएंगे। अभी इसका जो है सीख पे लगाने का टाइम आ गया है, मसाला लगे हुए तकरीबन जो है 7 घंटे हो गए हुए हैं, तो मैरिनेशन के बाद अब इसे हम सीख पे लगाएंगे। कोला तैयार हो रहा है हमारे पास भट्टी में, ये आप कोला भी चेक कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह। दूसरा हमारे पास ये जो विंग्स हैं, ये पूरे जो आप कह रहे हैं फ्राई चीज पे ही ऐसे हम लगा के इसे करते हैं, फ्राई करते हैं, ये वो मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें दूसरे नेबलेट भी है हमारे पास, तो हम ये भी लगाएंगे, नेबलेट भी लगाएंगे, ये बड़े पीस भी लगाएंगे, तो इंशाल्लाह अभी भी आपको पकते हुए भी दिखाते हैं और दोस्तों का इंजॉय भी दिखाएंगे। तो आपको पता है सारे मस्त माहौल हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप टोटल मलाई में है जी, मलाई डाली है इसके अंदर, और क्या क्या और ब्रेड की
ब्रांड की मलाई है जी, इसमें हमने जो है मलाई नहीं मसाले हमने बिल्कुल सिंपल से ही डाले हैं, क्योंकि ये पैसे नहीं दिए थे उन्होंने तो फिर जो था इसमें डंडी लग नहीं सकती थी, तो फिर हमने यानी कि इसमें 4000 के मसाले नहीं लग सकते, इसमें नहीं लग सकते थे, इसमें सिर्फ खालस हमने ब्रांड की नेस्ले की हमने बिल्कुल जी नेस्ले की हमने इसमें मलाई डाली है जी, और ये तकरीबन 10 से 12 किलो है जी, और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी आपको मैंने कहा था एक मिनट भैया पीछे भैया सॉरी सर आप फेमस आर्टिस्ट हैं नहीं पकने ना दी वीडियो पर जी ये देखिए माशाल्लाह जी नहीं नजर ही नहीं आ रहा जी रिजवान भैया बताएं ये माशाल्लाह आप चेक करें प्रोफेशनल तरीके से और जो मैंने आपको रेसिपी बताई है एक तो ये सस्ती और मियारी और इसके साथ प्रोफेशनल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कारोबारी लिहाज से तो आप इसे जरूर आजमाइएगा। तो अभी ये पकाई होती है जिस तरह ये पकता है आपको इसकी रंगत भी दिखाएंगे ये देखिए माशाल्लाह जी घी लाना भाई वो साथ में स्पंज दे दो ये जी माशाल्लाह आप देखेंगे हमें इमरजेंसी में हमने देसी अंगीठी तैयार की है और बेहतरीन तरीके से नीचे आप कोयलों का लेवल चेक करें कितना अच्छा लगा है हीट कैसी की है उस्ताद जी की क्या बात है इसके आप ये जोर है ना यहाँ से आपने हल्का सा कट लगा देना है ये आप कट चेक करें इससे जो इसकी पकाई है वो सही होगी आपने तरतीब से सबको लगा देना है बस हल्का सा ये ऑयल लगाएंगे जी ये ऑयल लग रहा है आपके हाथ में और जो आपने ये अभी टिक्के बना के खिला रहे हैं मैं कहता हूँ क्या बात है जबरदस्त है थोड़ा सा मसाला इसके अंदर जरा तीखा है मसाला दो तीखा ही खाते और ये देखे जी और ये मजा आ गया इसका जबरदस्त माशाल्लाह ये तैयार हो गई है ये दिखाएं जा काजी भाई ये माशाल्लाह तो सी गैदरिंग चल रही नहीं है आप ही खाते जा रहे नहीं है तो कोई गल नहीं इतने खा और इससे पता चल गया काशी साहब की माशाल्लाह बड़ी इज्जत है घर में वालेकुम जी रिजवान भाई क्या बात है माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया उस साथ उतारते जा रहे हैं अभी सारे दोस्त इकट्ठे बैठ के खाएंगे भी टेस्ट सबने कर लिया हुआ है तो मैं चाहूंगा ये बड़े भाई ने कभी कमेंट नहीं दिए ये अजहर भाई से शुरू करे अजहर भाई कैसा लगा है आपको ये बड़ी मेहरबानी मैं तो जबरदस्ती का मेहमान आ गया हूँ नहीं नहीं टेस्ट भी कर लिया लेकिन यकीन करें कि ये ऐसा जो बारबेक्यू स्पेशलिस्ट है तकरीबन शायद उससे भी बेहतर है और इसमें जो खलूस भी शामिल है तो यकीन करें कि बड़ा मज़ा आया मैं तो दिल नहीं कर रहा था खाने को कुछ भी लेकिन एक टेस्ट किया तो तीन चार फिर खाना पड़ा थैंक यू जी साजिद भाई ये माशाल्लाह जी हमारे रिजवान भाई हैं बहुत अच्छे शेफ हैं ये अभी तो आप देख रहे हैं बारबेक्यू ये अल्हम्दुलिल्लाह फिश भी बड़ी अच्छी बनाते हैं हमने घर में फिश बनाई थी इन्होंने सिर्फ मसाला बताया कि इस तरह लगा लें और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे घर की पार्टी सी बेहतरीन हुई है और इनकी एक खूबी ये अपनी जेब से खर्च करते हैं और दोस्तों को सर्व करते हैं ये इनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी खूबी है भाईजान ये देखें इतना मजेदार है कि मैंने संभाल के रखा हुआ है किसी को हाथ भी नहीं लगाना वसीम शाह साहब ये मदर भाई ये देखें संभाल के रखा हुआ है इन्होंने ये देखें जी गिन के रखे हुए हैं इन्होंने इनका इतना टेस्ट है कि रखवाली के लिए एक मोल भी छोड़ा हुआ है असद रहमान भट्टी साहब जी माशाल्लाह जी बहुत मजा आया है काशिफ थोड़ा सा सारे दोस्त इकट्ठे हों तो फिर इस तरह दिल नहीं करता पकाने को या बनाने को ये तो माशाल्लाह रिजवान भाई की मोहब्बत है माशाल्लाह सारे दोस्त साहब हैसियत है
और जब ये इकट्ठे होते हैं और इनको शौक भी है दोस्तों की खिदमत करने का, मेहमान नवाजी का, और माशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में टेस्ट भी दिया और ये सब दोस्तों को इकट्ठा बैठा के और अच्छा सा टेस्टी खाना भी खिलाते हैं। भाई ने वादा किया हुआ है मेरी शादी पे भी और उसके बाद भी अच्छी सी दावत भी करेंगे और शादी पे भी हमारा साथ इंशाल्लाह। जी रिजवान भाई बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं जी, और स्पेशली इनका चुल्लू रोस्ट बड़ा मशहूर है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वो भी अपने उसका भी बनाए एक जी। मतीन भाई आप रह गए हैं, प्लीज आप भी बताइएगा। भाई ये सारी बातें सेंसर हो जाएंगी, आपकी मेहरबानी है, ये लाइव नहीं जा सकती। हम तो वैसे रिजवान भाई की कुकिंग के वैसे बहुत फैन है, कढ़ाई बनाए, चुल्लू रोस्ट बनाए या बारबेक्यू बनाए, माशाल्लाह तेज अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज्यादा दिया हुआ है माशाल्लाह जी। ये भाई सारे तकसीम कर रहे हैं जी, ये सब खा रहे हैं। ये देखिए आप लुक चेक करें जरा, ये देखिए जी जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले भाई, शेयर करें, तो इसी तरह ये हमारी गैदरिंग के साथ एंजॉय करते रहे जी माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। इसी के साथ हमें दे इजाजत अगले व्लॉग के लिए, नई स्टोरी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जिंदाबाद।